हारमोनियम सीखने के लिए इस लाल कलर वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं घंटी के निशान को और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। याद रख बाकी हो, याद रख बाकी बोल भूल जे दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक संगीत यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अभिषेक, आज हम फिर से आप लोगों के लिए राजन जी का बहुत ही प्यारा भजन लेकर के आया हूँ। भजन का नाम है याद रखबा की बोलो भूल जइबा, बताओ पहुना फिर कहियाँ ले आइबा। इस भजन को हम आपको बताऊंगा कि हारमोनियम पर किस प्रकार से बजाएं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर काट काट करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ही बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस भजन में कौन कौन से स्वर लगेंगे ताकि आपको बजाने व गाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस भजन को हम आप लोगों को पहली काली से बताऊँगा सी हिसाब से। तो कौन कौन से स्वर लगेंगे ध्यान से देखेंगे। सा लगेगा, शुद्ध रे लगेगा, शुद्ध गा लगेगा, शुद्ध मा लगेगा, पा लगेगा, शुद्ध धा लगेगा, कोमल नी, शुद्ध नी, तार सप्तक का सा और मंद्र सप्तक में शुद्ध धा। बस इतने ही स्वरों में पूरा भजन बजेगा। तो सबसे पहले देखेंगे अस्थाई, उसके बाद देखेंगे अंतरा। तो अस्थाई किस प्रकार से बजेगा ध्यान से देखेंगे। इस भजन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इस भजन की स्टार्टिंग होगी नी से। कैसे? याद रख बाकी बोल भूल जइबा, बताओ पहुना फेर कहियाँ लइबा। तो इस लाइन को कैसे बजाएंगे ध्यान से देखेंगे। कहाँ से? नी से। कैसे? हो याद रख बाकी, याद रखबा की कैसे बजाएंगे नोटेशन देखें। निधापा याद रखबाकी, फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है बोल भूल जइबा। ऐसे बोलो भूल जइबा, इसको कैसे बजाएंगे नोटेशन देखें। पा से कैसे? पाधा पाधा पा मा गले गे सा, बोल भूल जइबा। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है बताओ पहुना, बताओ पहुना कैसे बजाएंगे नोटेशन देखें। धा सा रे मा गे बताओ पहुना। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद है फेर कहियाँ ले आइबा, फेर कहियाँ ले आइबा, इसको कैसे बजाएंगे नोटेशन देखें। रे मा गा रे सा, फेर कहियाँ ले आइबा। एक बार पूरी लाइन को फास्ट दोबारा देख लें ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कैसे? याद रखबा बोल भूल जइबा, बताओ पहुना फेर कहियाँ लइबा। अब देखेंगे इसका आंतरा। आंतरा कैसे बजाएंगे? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके ही बता दें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। आओ अब देखेंगे इसका आंतरा। इसका आंतरा कहाँ से स्टार्ट होगा? इसका आंतरा स्टार्ट होगा पा से। कैसे? पहले पहले जब मिथिला में ला,
पहल पहल जब मिथिला में अयला, इसको कैसे बजाएंगे नोटेशन देखें। प म ग प म ध नि ध प, पहल पहल जब मिथिला में अयला। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद है अखिया के रहिया से हिया में समयला। अखिया के रहिया से हिया में समयला, इसको कैसे बजाएंगे नोटेशन देखें। प म ग प म ध नि ध प, अखिया के रहिया में हिया में समय। एक बार दोनों लाइनों को फास्ट दोबारा देख ले ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कैसे, पहले पहले जब मिथिला में अयला, अखिया के रहिया से हिया में समयला। फिर इसके बाद क्या बजेगा, इसके बाद बजेगा अब नहीं हिया से निकले तो पै। ये लाइन सेम उसी प्रकार से बजेगी जिस प्रकार से प्रथम लाइन बजाई थी। एक बार दोबारा देख लें। अब नहीं हिया से निकले तो पैबा। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद वही फिर बजेगा क्या, बताओ पाओ ना फिर कहीं आले। इसके आगे के जितने भी अंतरे हैं सभी सेम इसी प्रकार से बजेंगे, इसलिए हमने आपको सिर्फ एक ही अंतरा बताया हुआ हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।